तो ये आग लगी हुई है चूल्हे में और ये तड़का धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है तेल के साथ। और ये ऐसी मैगी बन रही है ना, मैं अगर बताऊं ये ऐसी मैगी बनेगी, इसका ऐसा टेस्ट आएगा जो रियल में 100 में से 1 या 2 लोग इस टेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इस रेसिपी को। तो इनका कहना है कि ऐसी मैगी मुझे लगता है 100 में से 1-2 लोग ही बना सकते हैं, जैसा स्वाद ये देना चाह रहे हैं उस तरीके का स्वाद आई थिंक 100 में से 200 में से 1-2% ही दे सकते हैं, इतना अच्छा स्वाद होगा। और अगर नहीं होगा तो गारंटी है उस चीज़ की। नहीं नहीं होगा होगा। तो आप बार बार झोले में क्या लेने जा रहे हैं? मैं मैगी लेने गया हूँ। अच्छा, और ये मैगी लेके आ गया मैं। ओके, तो अब मैं डालता हूँ इसमें मैगी। तो ये मैगी का पाउच खुल रहा है और ये मैगी जाने वाली है कढ़ाई में। थोड़ा इसको तोड़ देते हैं ताकि छोटा छोटा टुकड़ा रहे। तो मैं ये आपको दिखाने की प्रॉपर कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं खड़ी हो रही हूँ। अब तक मैं बैठ के वीडियो बना रही थी कि देखिए ये मैगी कढ़ाई में डल चुकी है और अभी एक ही पैकेट गई है, हालांकि हम दो बनाएंगे क्योंकि 2 जने हैं, 2 मैगी बनाएंगे। तो ये दूसरी भी कढ़ाई में जा चुकी है ऑलमोस्ट। अब बचे हैं इनके लास्ट इन्ग्रीडियंट जो है वो है मसाले इनके। तो ये हैं मसाले और मसाले भी जा रहे हैं कढ़ाई के अंदर। मसाले भी जा चुके, राइट राइट। अब हमें क्या करना है, अब इसमें डालेंगे पानी। ओके, अब इसमें हम ऐड करेंगे वाटर। गुड। तो मैगी में सारा जो है जो भी इंग्रेडिएंट है वो सब कुछ पड़ चुका है, पानी, नमक, नहीं नमक तो अभी नहीं पड़ा है, नमक अभी नहीं पड़ा। और मैगी डल चुकी है, तड़का भी लग चुका है। अब नीचे से आग लगानी है और ऊपर से नमक डालना है। 5 मिनट में मैगी तैयार। यस, तब तक इसे हम छोड़ते हैं पकने के लिए और बाद में मिलते हैं आपसे। तो मैगी मुझे लगता है ऑलमोस्ट पक चुकी है या पकने वाली है, बस 1-2 मिनट सही से आ रही पिक्चर। हाँ, बस थोड़ा ही टाइम और लगेगा, हवा बहुत तेज़ से चल रही है और आग बहुत तेज़ से जल रहा है, तो इसलिए उसे पकने में बहुत टाइम नहीं लगा। ये देखिए कितनी तेज़ी से जल रहा है ये। आज संडे स्पेशल है, टुडे इज संडे स्पेशल, सो वी आर एंजॉयिंग इन माल देवता नियर रिवर, है ना? तो बैंक ऑफ नदी के किनारे है, सेम नदी में ही है कह लो। हाँ, ये नदी में ही हम लोग बैठे हुए देख सकते हैं, पूरा का पूरा ये नदी के अंदर ही बैठे हुए हैं। बस थोड़ा सा एरिया है कि मतलब नदी अभी सूख गई है तो लोग इसमें इंजॉय करते हैं आके। वैसे आज तक ये नदी कभी पूरी पूरी भर के नहीं आई है, तो इसलिए सब लोग आते हैं इसके अंदर में, जो जगह खाली होती है वहाँ बैठते हैं और इंजॉय करते हैं। वो देखिए दूर दूर कितने सारे से लोग दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, जूम करके दिखाने की कोशिश करती हूँ। और ये देखिए, आप मैगी कंप्लीटली रेडी है, अब आप एंजॉय कर सकते हैं बढ़िया थोड़ी देर में। दोस्तों ये फाइनली हमारी मैगी बनके रेडी हो गई है और गजब का यमी टेस्ट लग रहा है, यमी टेस्ट है इसका, क्योंकि देखने में ही बहुत जानलेवा सा मैगी लग रहा है जानलेवा है ना? रोक दो। तो ये इनके निकालने का आदिवासी स्टाइल में तरीका है इनका, एकदम फुल आदिवासी स्टाइल, कि कम बर्तन, कम खाना पकाने की चीज़ें, कम चीज़ों में कैसे मैनेज करना है, कोई इनसे सीखे। एकदम उसी स्टाइल में ये चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। यू आर राइट, कम चीज़ों में ही कैसे मैनेज करना है, यही है मेरा ऑब्जेक्टिव। और मैं चाहता हूँ कभी भी आप जाएं, अगर कहीं भी एंजॉय करने जाएं, घूमने जाएं, तो आप ये सारी फैसिलिटी लेके मत चलिए। वहाँ पे जाइए, थोड़ा सा संघर्ष भी तो करेंगे। वैसा तो है नहीं कि बस गए तो आपके उसमें और घर में क्या फ़र्क रह गया, क्या रहा मतलब एंजॉय करने का। अब इसको ऐसे इंजॉय किया जाएगा चटपटे,
तरीके से। आप दिखा दीजिए पूरी तरह से मैगी। ये मैगी तैयार है, फाइनली फाइनली टच्ड मैगी, मतलब फाइनल टच इसको मिल चुका है। वीडियो बंद मत करना। हाँ, खा के बताइए टेस्ट कैसा है। गजब का टेस्ट है दोस्तों। खाने के बाद शायद मुझे बुलाओ ना कभी बनाने के लिए। देखने के बाद मुझे लगता है आप बुलाओगे मुझे बनाने के लिए। ऐसा है। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।